राम राम दोस्तों 2024 के सिक्स मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड इन छह महीनों में जो सिक्स हैचबैक गाड़ियां टॉप सेलिंग पर चल रही है जो वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां भी मानी जा सकती हैं एंड अब इन गाड़ियों की पोजीशन लगभग डिसाइड हो चुकी है तो बिना देरी के जान लेते हैं इन सिक्स हैचबैक गाड़ियों के बारे तो में वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना तो शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर आती है टाटा की अल्ट्रोज जिसकी जनवरी से लेकर जून तक टोटल उन्तीस हजार पांच सौ छत्तीस यूनिट बिकी है एंड सबसे कम बिक्री फरवरी के महीने में हुई है जो फाइव स्पीड मैनुअल और ए एम टी गियर बॉक्स में आती है एंड पेट्रोल से बीस की और सी में बत्तीस की जबकि डीजल के साथ चौबीस किलोमीटर की माइलेज निकाल देती है जबकि गाड़ी के इंटीरियर में मिलने वाले फीचर्स जैसे फ्लोटिंग टच इन्फोटेनमेंट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वॉइस कमांड रिक्निशन प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और एक्सप्रेस कूलिंग फीचर्स गाड़ी की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं इसके साथ ही गाड़ी में बेस्ट इन क्लास लेगरूम भी मिल जाता है और रियर सीटों में भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है एंड ओवरऑल देखें तो गाड़ी की इंटीरियर क्वालिटी और फिट एंड फिनिश बहुत ही बेस्ट है वही अल्ट्रोज गाड़ी फाइव स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ आती है जिसको लेने के लिए मन में कोई संदेह मत रखना जबकि गाड़ी की ऑन रोड प्राइस सात लाख चालीस हजार से बारह लाख तक जाती है इसके बाद अगली गाड़ी आती है अल्टो के टेन जिसकी जनवरी से लेकर जून तक कुल सत्तावन हजार नौ सौ इकतालीस बिकी है एंड सबसे कम बिक्री मई के महीने में हुई है जो मारुति की सबसे ज्यादा इकोनॉमी कार मानी जाती है जिसमें वन लीटर के सीरीज इंजन से परफॉर्मेंस और पावर दोनों सही मिलती है एंड पेट्रोल के साथ चौबीस की माइलेज और सी के साथ ३४ की माइलेज क्लेम की जाती है इसके अलावा गाड़ी में स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट पावर विंडो सेंट्रल लॉकिंग ड्यूअल एयरबैग्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स दिए जाते हैं वही ये गाड़ी बजट कॉन्शियस लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस होती है जिसमें रिलायबल और एंजॉयबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल जाता है जिसमें 160 मिलीमीटर mm के ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ ग्लोबल एन कैप से टू स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिलती है जिसकी ऑन रोड प्राइस चार लाख तीस हजार से छह लाख चालीस हजार तक जाती है इसके बाद अगली गाड़ी आती है आई ट्वेंटी जिसकी जनवरी से लेकर जून तक कुल उनासी हजार बावन यूनिट बिकी है एंड सबसे कम बिक्री फरवरी के महीने में हुई है जो सिक्स स्पीड मैनुअल, ए एम टी डी सी टी में आती है एंड पेट्रोल से 18 से 20 की माइलेज निकाल देती है जबकि गाड़ी के इंटीरियर में मिलने वाले फीचर्स जैसे लार्ज टच इंफोटेनमेंट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एम्बियंट लाइट कोल्ड ग्लव बॉक्स और एयर प्यरीफायर गाड़ी की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं इसके साथ ही गाड़ी में बेस्ट क्लास का कंफर्ट और ड्राइव कंफर्ट भी मिल जाता है लेकिन ये गाड़ी थ्री स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ आती है जो थोड़ा सोचने वाला विषय जरूर बन जाता है लेकिन गाड़ी की इंटीरियर क्वालिटी और फिट एंड फिनिश बहुत ही जबरदस्त है जबकि गाड़ी की ऑन रोड प्राइस आठ लाख से बारह लाख सत्तर हजार तक जाती है इसके बाद थर्ड पोजिशन पर आती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट जिसकी जनवरी से लेकर जून तक कुल चौरासी यूनिट्स बिकी हैं एंड सबसे कम बिक्री अप्रैल के महीने में हुई है क्योंकि सब लोग नए फेसलिफ्ट के आने का वेट कर रहे थे जो पेट्रोल और सी दोनों इंजन में आती है और पेट्रोल से 22 की जबकि सी में 32 की माइलेज निकाल देती है और स्विफ्ट गाड़ी भी एक बेस्ट माइलेज एफिशिएंट हैचबैक मानी जाती है वही गाड़ी में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो सेवन इंच टच इंफोटेनमेंट एडजस्टेबल स्टीयरिंग स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मैनुअल एसी और सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं वही सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो डुअल एयरबैग से लेकर टॉप मॉडल में सिक्स एयरबैग्स इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्ट एबीएस ईबीडी और चाइल्ड आइसोफिक्स सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं वही गाड़ी को ग्लोबल एन कैप से वन स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई है जबकि नई वाली स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट अभी पेंडिंग है इसके अलावा गाड़ी में एक मिलीमीटर mm का ग्राउंड क्लीयरेंस भी दिया जाता है और गाड़ी की कीमत सात लाख से साढ़े दस लाख के बीच देखने को मिलती है इसके बाद अगली गाड़ी आती है मारुति की बलेनो जिसकी जनवरी से लेकर जून तक कुल चौरानबे हजार पांच सौ इक्कीस यूनिट बिकी है एंड सबसे कम बिक्री मई के महीने में हुई है जो पेट्रोल में बाईस और सी में तीस की माइलेज निकाल देती है और बैलेनो गाड़ी भी एक बेस्ट माइलेज एफिशिएंट हैचबैक मानी जाती है वही गाड़ी में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो हेड अप डिस्प्ले नाइन इंच स्मार्ट प्रो इंफोटेनमेंट एडजस्टेबल स्टीयरिंग स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ऑटो एसी और रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं वही सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ड्यूअल एयरबैग्स और टॉप मॉडल में सिक्स एयरबैग्स भी ऑफर होते हैं वही एबीएस ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम 360 कैमरा और हिल असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं वही गाड़ी को ग्लोबल एन कैप से जीरो स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई है जो बहुत डिसअपॉइंट करती है इवन एक बेस्ट सेलिंग हैचबैक और इतना बुरा स्कोर इसके अलावा गाड़ी में 170 मिलीमीटर mm का ग्राउंड क्लीयरेंस भी दिया जाता है और गाड़ी की कीमत सात लाख पचास हजार से ग्यारह लाख के बीच देखने को मिलती है इसके बाद अगली गाड़ी आती है वैगनार जिसकी जनवरी से लेकर जून तक कुल निन्यानवे हजार छह सौ अड़सठ यूनिट बिकी है एंड सबसे कम बिक्री जून के महीने में हुई है जो पिछले कुछ महीनों से टॉप सेलिंग में फर्स्ट पोजीशन पर बनी हुई है जो पेट्रोल में 22 और सी में 34 तक की माइलेज निकाल देती है और वेगनार गाड़ी माइलेज के चलते ही इतना ज्यादा पसंद की जाती है वही गाड़ी में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो सेवन इंच इंफोटेनमेंट स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल मैनुअल एसी और रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं वही सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ड्यूअल एयरबैग्स ABS, EBD, इंजन ई इमोबिलाईजर सेंट्रल लॉकिंग चाइल्ड सेफ्टी लॉक और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं वही गाड़ी को ग्लोबल एन कैप से वन स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई है जो बहुत डिसअपॉइंट करता है इसके अलावा गाड़ी में एक मिलीमीटर mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी दिया जाता है और गाड़ी की कीमत छह लाख से आठ लाख बीस हजार के बीच देखने को मिलती है सो ये सभी वो हैचबैक गाड़ियां हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी कंपनियों की हैचबैक गाड़ियों को टक्कर दी हुई है तो आपको इनमें से कौन सी गाड़ी अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए तो आज की वीडियो में इतना ही था मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जय हिंद